मैं डॉक्टर सतीश चौहान, प्रवक्ता आर्यन इंटर कॉलेज मुरादाबाद, कक्षा 12, विषय सामान्य हिंदी में प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का विषय शब्द युग्म, और शब्द युग्म के अंतर्गत शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थिक शब्द और इसी से जुड़ा हुआ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, मुहावरे और लोकोक्ति विषय का आज हम अध्ययन करेंगे। बहुत सरल विषय है और इसको ध्यानपूर्वक जो है अध्ययन करने के बाद इसे उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और इसका मैं अब प्रारंभ करता हूँ। शब्द युग्म, युग्म का अर्थ है जोड़ा, शब्दों का जोड़ा। ऐसे शब्द जिनके उच्चारण और वर्तनी में बहुत कम अंतर होता है लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता पाई जाती है, ऐसे शब्दों को हम शब्द युग्म कहते हैं। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण प्रायः समान दिखाई पड़ता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ऐसे शब्दों को भी हम शब्द युग्म की श्रेणी में रखते हैं। हम इन्हें श्रुति समभिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, जैसे श्रुति का अर्थ सुनना, सम का अर्थ बराबर और भिन्नार्थक माने अलग अलग, अर्थात सुनने में समान दिखाई देने वाले और उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हम कहते हैं। और इसके लिए हम युग्मों, शब्द युग्मों की रचना 7 प्रकारों से की जा सकती है और उसमें पहला प्रकार है एक ही शब्द की पुनरुक्ति द्वारा, पुनः जमा उक्ति, अर्थात एक ही शब्द को फिर से कहना उस शब्द की पुनरुक्ति कहलाता है। पुनरुक्ति भी शब्द युग्म बनाने का एक प्रमुख तत्व है, जैसे उदाहरण है यहाँ पर अंग अंग, माने अपने बेटे का अंग अंग चूम लिया या स्पर्श कर लिया। दूसरा है सजातीय या समानार्थक शब्दों के द्वारा, समानार्थक लगने वाले दो शब्दों को मिलाकर भी शब्द युग्म की रचना की जाती है। दोनों ही शब्द मिलते जुलते होते हैं और जैसे उदाहरण पे यहाँ देखेंगे खेल तमाशा, पुराने समय में क्या होता था कि गांव में जादूगर आता था या अन्य खेल तमाशे वाले आते थे, उन्होंने अपना डमरू बांसुरी बजाई और भीड़ एक जगह इकट्ठी हुई और अपना खेल तमाशा दिखाया, चले गए। लेकिन आज के दौर में उस खेल तमाशे का समय समाप्त हो गया है, तो उसी का उदाहरण यहाँ पे है खेल तमाशा। अब खेल तमाशों का समय नहीं रहा है, चमक दमक, जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि वो लोग जो है बाहरी चमक दमक में रहते हैं, हमें बाहरी चमक दमक में नहीं रहना चाहिए, तो उसी का चमक दमक, हमें बाहरी चमक दमक से बचना चाहिए। इसी श्रृंखला में अगला विलोम शब्दों के द्वारा, दो विलोम शब्दों के द्वारा भी शब्द युग्म की रचना की जाती है, जैसे आना जाना और जैसे शुभ अशुभ, अर्थात व्यापारियों का बाहर आना जाना लगा ही रहता है, कर्मयोगी व्यक्ति कभी शुभ और अशुभ का विचार नहीं करते हैं। इसके बाद अगला आता है सार्थक और निरर्थक शब्दों के द्वारा, सार्थक का अर्थ है जिसका शब्द का अर्थ हो, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द मिल जाता है तो वह निरर्थक शब्द भी सार्थक हो जाता है। अतः उसी क्रम में कि सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों को मिलाकर शब्द युग्म की रचना की जाती है, जैसे हम बोलते हैं या पढ़े लिखे लोग भी अक्सर बोलते हैं कि खाना बाना, चाय वाय, पानी वानी,
तो उसी का उदाहरण यहां पर देखेंगे, खाना बाना। यहां पर बाना का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन खाना सार्थक है, बाना निरर्थक है। लेकिन सार्थक के साथ निरर्थक जुड़ने पर ये जो है शब्द सार्थक हुआ, खाना वाना। बच्चों ने खाना वाना खाया है या नहीं, चाय वाय तुमने सवेरे से चाय वाय पी है या नहीं, या पानी वानी पिलाया है या नहीं। इसके बाद आता है निरर्थक शब्दों के द्वारा। दो निरर्थक शब्दों को मिलाकर भी शब्द युग्म की रचना की जाती है, शब्द युग्म बनता है। जैसे इक्के दुक्के, हट्टा कट्ठा, जैसे इस समय कोरोना संक्रमण का काल है तो हम देखते हैं कि पार्कों में बहुत कम लोग घूमने जाते हैं, नाम मात्र जाते हैं। उसी का उदाहरण देखें कि इक्के दुक्के यानी कोई एक दो, अर्थात रात्रि के समय इक्के दुक्के लोग ही पार्क में घूमते हैं, प्रमोद देखने में हट्टा खट्टा लगता है। जैसे माना कोई व्यक्ति अंदर से बीमार है लेकिन बाहर से है ना वो स्वस्थ दिखाई पड़ता है, तो उसी का ये उदाहरण हट्टा खट्टा यानी प्रमोद देखने में हट्टा खट्टा लगता है। फिर आता है परसर्गों के द्वारा, शब्द युग्मों के बीच परसर्ग लगाकर भी शब्द युग्म की रचना की जाती है, और इसमें शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। जैसे कभी न कभी, यहां पे योजक चिन्ह लगा है, कभी न कभी कुछ का कुछ, कभी न कभी तो उसके दिन भी फिरेंगे। दूसरा उदाहरण, पुलिस के डर से चोर उसका कुछ कहने लगा। अंतिम आता है समोच्चारित भिन्नार्थक शब्दों के द्वारा, जो शब्द उच्चारण में लगभग समान प्रतीत होते हैं परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण आप देखेंगे कि अंब माता, अंबु जल, अशक्त शक्तिहीन, और इसी क्रम में आशक्त शब्द युग्म देखेंगे मोहित, अपेक्षा आशा या इच्छा, और उपेक्षा निरादर, आदि प्रारंभ और आधी मानसिक दुख। फिर इसके बाद देखेंगे शब्दों में सूक्ष्म अंतर, और यहाँ पर जैसे शब्द है अंगना, अंगना का अर्थ स्त्री, और यहाँ पर जो है अनुस्वार हटा, जैसे अग्ना घर का आंगन, जो घर के बाहर आंगन होता है वही आंगन। जैसे अंश यानी कंधा, और अंश भाग या हिस्सा। इसके बाद जैसे शब्दों में सूक्ष्म अंतर आका, मतलब आ जो है अक्सर उसका सूक्ष्म अंतर यहाँ पर देखेंगे, आवास हमारे रहने का स्थान, आभास यानी झलक या संकेत, आदि किसी चीज का आरंभ, और आदि यानी आदत वाला, या हम आदि के माने अदरक भी होता है, इत्र जैसे सुगंध, और इतर यानी कोई दूसरा। इसके बाद देखेंगे इति किसी चीज का समाप्त होना, समाप्ति, और एक बड़ी ई यहां पर इति फसल की बाधा, फसल में एक बाधा आती है उसे इति कहते हैं। इंदु जैसे चंद्रमा, और इसे हमने इंदुर का एकदम चूहा, ऋत सत्य, ऋतु मौसम, एतवार यानी रविवार का जो दिन होता है, और यहाँ पर एतवार यानी कि आपका एतवार नहीं है यानी विश्वास नहीं है, विश्वास, अपेक्षा इच्छा, उसके क्रम में उपेक्षा निरादर, जैसे कुल वंश, और बड़े उकी मात्रा के साथ कुल यानी कि किनारा, किसी नदी का किनारा, सरोवर का किनारा, सड़क का किनारा। फिर सर तालाब सरोवर, और शाह सर बाण, अली भोरा जो फूलों पर मंडराता है भोरा, और अली के माने सखी। फिर है तरणी यानी सूर्य, और तरणी नाव जिससे नदी पार की जाती है। आगे अवधि यानी समय, कितने समय की अवधि है, अवधि समय, और अवधि भाषा, जैसे हम फैजाबाद या अयोध्या की तरफ जो भाषा बोली जाती है वो अवधि होती है। तुलसी ने भी अपनी
जो है काव्य में अवधि भाषा का प्रयोग किया है। अभिराम जैसे सुंदर, और फिर है अभिराम लगातार, इसे फिर देखेंगे सुधी याद करना, और सुधी कहते हैं सुधी पाठक अर्थात विद्वान ज्ञाता, अचल पर्वत, और फिर अचला पृथ्वी, अनल आग, अनिल हवा, तुरंग घोड़ा, तरंग लहर, मुनि और ऋषि में देखेंगे मुनि धर्म या आध्यात्मिक तत्वों को जानने वाला, और ऋषि मंत्रों या आध्यात्मिक तत्वों को जानने वाला, अवस्था दशा आयु उम्र भक्ति धर्म की भावनाओं से युक्त प्रेम और श्रद्धा किन्हीं गुणों के कारण, यानी कोई व्यक्ति गुणवान है श्रेष्ठ है तो किन्हीं गुणों के कारण आदर सहित प्रेम, जलद कार्त बादल और जलद ही समुद्र। इसके बाद इसी अध्याय से जुड़ा हुआ आता है अनेकार्थिक शब्द। बहुत मैं कह रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों कि बहुत सहज और सरल अध्याय है। अनेकार्थिक शब्द, जब एक शब्द के अनेक अर्थ हों उन्हें हम अनेकार्थिक शब्द कहते हैं, या अनेक अर्थों वाले शब्द को भी हम अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। इसका मुख्य विशेषता यह है कि एक प्रसंग में उनका एक ही अर्थ होता है, और अनेकार्थिक को लोग कभी पर्यायवाची मान लेते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि शब्द बोर्ड की परीक्षा में दिए होंगे, और उस शब्द के हमें दो या तीन उसके अलग हमें अर्थ लिखने होंगे। तो देखेंगे सबसे पहले अंक, गोद, भाग्य, अध्याय, तितली और चिन्ह। इसके बाद सारंग, हिरण, शेर, चंद्रमा, कोयल, हाथी, पपिया, मेघ, राजहंस, जैसे अमृत आता है बोर्ड की परीक्षा में अक्सर आता है, अमृत, जल, दूध, सवर्ण, धृत यानी घी, पारा, अक्ष आँख, सूर्य, सर्प, पहिया, जैसे कनक सोना, कनक गेहूं, कनक माने धतूरा और कनक के माने किरण भी। इसी क्रम में खग, पक्षी, तार, गंधर्व और बाण। फिर जैसे गो, गाय, बैल, माता, स्वर्ग, जलज, बोर्ड की परीक्षा में आता है जलज, मोती, चंद्रमा, मछली, कमल। फिर तीर देखें, तीर माने किनारा, वैसे किनारा, सरोवर, समीप और तट, पर, पांव, चिन्ह, पंख और छंद का पद। फिर पुष्कर आता है कभी कभी बोर्ड में, महत्वपूर्ण है, कमल, आकाश, तालाब, सरोवर, अर्क, सूर्य, रस और आग का पौधा भी होता है जो अक्सर ना बहुत सारी बीमारियों में भी काम आता है। फिर इसके बाद रजत यानी चांदी, हाथी, सफेद दांत, मधु बहुत आता है शब्द, मधु, शहद, शराब, पराग और बसंत ऋतु को भी हम मधु बोलते हैं, मधुमास बोल देते हैं। फिर गुण, कौशल, रस्सी, विशेषता, फिर है चक्र, गोला, पहिया, चकवा और कुम्हार का चाक जिससे वो बर्तन बनाता है, चंद्रमा, शशि, चंद्र और सुधांशु। फिर देखिए अगला, वन, वन में जंगल, किरण, वाटिका, मकान। इसी क्रम में कमल, जलज, मोती, सेवार, शंख, नग, पर्वत, नगीना, वृक्ष, सुरभि जैसे कामधेनु यानी गाय, सुरभि, कामधेनु, बसंत और सुगंध। तो यहाँ पर ये अनेकार्थिक का जो टॉपिक है यहाँ पे समाप्त हुआ।
इसके बाद आता है प्रिय विद्यार्थियों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है, या वाक्यांश के लिए जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं उसे भी हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। और हमें लगता है कि जब हम उसे पढ़ते हैं कि हमें याद है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम उसे लिख नहीं पाते हैं, तो हम इसका जितना अभ्यास करेंगे लिख कर के देखेंगे उतना हमें बोर्ड की परीक्षा में आसानी रहेगी। तो इसको देखें आप, जैसे वर्ष में होने वाला, यानी एक वर्ष में होने वाला वार्षिक, जो शरण में आया हो शरणागत, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जो पहले हो चुका हो, यानी पहले हो चुका भूतपूर्व, दोपहर के पहले का समय यानी पूर्वाह्न, और दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जैसे दोपहर का समय होता है तो उसे हम बोलेंगे मध्याह्न। जैसे ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक और नहीं करने वाला नास्तिक हो जाएगा, लेकिन जो अधिक बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल, कि अधिक बोलता है वाचाल है। अपने जीवन की स्वरचित रचना, जब कोई भी लेखक या कवि अपने जीवन की ना घटना का वर्णन उसमें करता है, स्वरचित रचना कथा का वर्णन करता है, तो उसे हम कहते हैं आत्मकथा। फिर वही ईश्वर में विश्वास न करने वाला नास्तिक, जिसे आर पार देखा जा सके, पारदर्शी, जो कम खर्च करता हो, जिसे हम कभी कभी कह देते हैं कि कम खर्च करने वाला कंजूस, लेकिन कंजूस नहीं, मित व्ययी, जो कम खर्च करने वाला, जो कम खर्च करता हो, मित व्ययी। फिर है कल्पना से परे हो, कल्पना तीत, और फिर जहां अनाथ रहते हों, अनाथालय, किसी की हंसी उड़ाना, हम कहते हैं किसी की हंसी मत उड़ाओ, यानी उपहास। फिर जो कहा न जा सके, एकथनीय, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, कहते हैं ना कि भाई ये जिज्ञासु है, जानने की इच्छा रखने वाला, जिसका आचरण अच्छा न हो उसे हम कहते हैं दुराचारी। 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला शतायु, और जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जिसे कोई जीत ना सके अजय, जो व्यक्ति जन्म ना ले अजन्मा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, जो देखने योग्य ना हो अदर्शनीय, जिसे देखा ना जा सके, जीने की इच्छा रखने वाला, और जिजीविषा, बहुत आता है ये शब्द, जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, उपकार को न मानने वाला। ये बोर्ड की परीक्षा में महत्वपूर्ण शब्द है कि उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, जो भूखा हो, यह भी बहुत आता है, वो भुक्षित, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड के दृष्टिकोण से, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल, जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ। और इसके बाद आता है इसी श्रृंखला में, इसी क्रम में, यानी मुहावरे। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, और जिसका भाव है बातचीत करना, उत्तर देना। व्याकरण की भाषा में साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। यह एक वाक्यांश है जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। और जितने भी मुहावरे हैं उनमें अधिकांश ना बाद में होता है, ना अधिक लगा होता है, आप किसी भी मुहावरे को देखें तो अधिकांश थे उसमें ना लगा होता है। मुहावरा भावार्थ होता है और भावार्थ में अर्थ को लिया जाता है। यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं जो महत्वपूर्ण मुहावरे हैं, और बोर्ड में मुहावरे आएंगे उसका अर्थ लिखना होगा और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे आप।
तो जैसे कुछ मुहावरे यहां पर हैं, पानी पानी होना, लज्जित होना। हम अपनी गलती पर जब अपनी गलती करते हैं तो फिर हम क्या होते हैं, लज्जित होते हैं, अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं। यानी पानी पानी होना, लज्जित होना, गोलर का फूल होना, अति दुर्लभ होना, बगुला भगत होना, कपटी मित्र होना, और फिर छक्के छुड़ाना, पराजित करना। अर्थात जैसे भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना के जो है छक्के छुड़ा दिए, हम इस प्रकार से इसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। और वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो हमारा मुहावरा उस वाक्य प्रयोग में आ जाना चाहिए। जैसे है अंधे की लकड़ी होना एकमात्र सहारा होना, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी के समान था। जैसे अगला मुहावरा है लंगोटी में फा खेलना, गरीबी में खुशी मनाना, दाल में काला होना, संदेह होना, शक होना, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। जैसे प्रमोद या कोई भी नाम हम ले के बोर्ड की परीक्षा देने के बाद है ना, वह घोड़े बेच करके सो रहा है। मेरा कहने का आशय यह है कि जब हम वाक्य प्रयोग करें तो उसमें हमारा मुहावरा बीच में आ जाना चाहिए, सम्मिलित हो जाना चाहिए। हाथ पीले करना, विवाह करना, और इसके बाद आता है लोकोक्ति। लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्तियों को हम लोकोक्ति कहते हैं। यह एक संपूर्ण वाक्य है और संपूर्ण वाक्य होने के नाते इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। यह जनता के अनुभवों का निचोड़ है, जो जनता के अनुभव होते हैं उन अनुभवों को लोकोक्ति में सम्मिलित किया जाता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि जनता के अनुभवों का निचोड़ है लोकोक्ति। लोक अनुभवों पर आधारित या सामाजिक लोगों का अनुभव होता है। और इसमें आप देखेंगे लोकोक्ति हाथ कंगन को आरसी किया, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। नाच न आए आंगन टेढ़ा, अर्थात काम न आने पर बहाना बनाना। कहते हैं ना कि नाच न आए आंगन टेढ़ा, जब कोई काम नहीं आता है तो हम उसको बहाना बनाते हैं कि ये ठीक नहीं है, जगह उपयुक्त नहीं है। फिर अगला हमारी लोकोक्ति है आम के आम गुठलियों के दाम, जैसे अक्सर गांव में या समाज में लोग कह देते हैं, दोहरा लाभ होना। फिर है अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान होने पर अधिक बोलना। अर्थात जब हम इसको वाक्य प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि महेश अल्प ज्ञानी होते हुए भी विद्वान होने का ढोंग करता है, नाटक करता है। जैसे अध जल गगरी छलकत जाए, गगरी के माने इसमें यानी जो मटका या घड़ा जिसमें आधा पानी होता है तो उसका पानी जो है वो छलकता है, बाहर आता है, लेकिन अगर वो पूर्ण रूप से भरी हुई है तो उसका पानी नहीं छलकता है। तो वही है ये अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान होने पर, यानी अधूरा ज्ञान होने पर अधिक बोलना। और इसको वाक्य प्रयोग भी हमें करना है बोर्ड की परीक्षा में, और उसका अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग भी हम करेंगे। यहाँ पर ये हमारा लोकोक्ति समाप्त होती है। इसके बाद इसमें है वाक्यों में त्रुटि मार्जन, और लिंग वचन कारक काल और वर्तनी के आधार पर इसमें हमें करना क्या है कि बोर्ड की परीक्षा में अशुद्ध वाक्य दिए हुए होंगे और हमें उन्हें अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना होगा। अर्थात उन वाक्यों में जो त्रुटि है, जो गलतियां हैं, उसको हमें शुद्ध करके लिखना है। और उन त्रुटि मार्जन में लिंग वचन कारक काल और वर्तनी के आधार पर उन्हें शुद्ध करेंगे आप। सबसे पहला है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे दो प्रकार में हम रखते हैं, पुरलिंग और स्त्रीलिंग।
खड़ी बोली में प्रयुक्त लिंग व्यवस्था को ही उचित मानना चाहिए। जब भिन्न लिंगीकर्ता विभक्ति रहित एक वचन में हो तथा संयोजक से जुड़े हों तो उसकी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होती है। जैसे उदाहरण थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थीं। जब इसे हम शुद्ध करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री थी। जैसे अगला बाकी है अशुद्ध है, लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, तो यहाँ वीर ना करके वीरांगना, लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। जैसे श्याम राम और श्याम बातचीत कर रहा है तो देखें यहाँ पर बदलेंगे, राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे वचन संबंधी अशुद्धियाँ। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आप देखिए प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू आदि। भावात्मक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयोग होती हैं, ये हम जानते हैं और प्राइमरी का विषय है कि भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयोग होती हैं। आदरणीय और माननीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन की क्रिया लगाई जाती है। कुछ शब्द सदैव एक वचन के होते हैं, जैसे जनता, सामान, माल। यहाँ पर देखेंगे शुद्ध और अशुद्ध। प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया तो शुद्ध है, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए। कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखना, कृपया मेरे सामान पर निगाह रखना, मेरा बड़ा भाई आ रहा है, मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। इसके बाद देखेंगे अगला कारक संबंधी अशुद्धियाँ। वही कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से यानी अलग होने पर, संबंध काकी के रारी रा री रे अधिकरण में पर संबोधन हे रे अरे। तो इसमें देखेंगे आप कारक संबंधी अशुद्धियां में, अशुद्ध में मैं भोजन कर लिया हूँ, मैंने भोजन कर लिया है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, अशुद्ध ओ बालक खड़ा रहे, रे बालक खड़ा रहे। इसके बाद काल संबंधी अशुद्धियाँ। काल तीन प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और काल का निर्णय क्रिया से होता है ना। और दूसरे क्रिया वे शब्द होते हैं हिंदी में, मतलब पुस्तक से हट करके है कि हिंदी में जिन शब्दों के बाद में ना आ जाए वो सारे शब्द क्रिया कहलाते हैं। उठना, बैठना, जैसे जाना आना। मैं विषय पर आता हूँ कि काल का निर्णय क्रिया से होता है। अशुद्ध देखेंगे इसको आप, सूर्य पूरब में निकलता था तो सूर्य पूरब में निकलता है। और देखेंगे ये अगला जो है अशुद्ध, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, और हम जब इसको शुद्ध करेंगे तो इसमें हो जाएगा स्त्री और पुरुष जा रहे हैं। फिर आता है वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, यानी मात्राओं की वजह से, अक्षरों की वजह से होने वाली अशुद्धियाँ। किसी भी शब्द की वर्तनी अगर अशुद्ध है तो वाक्य हमारा वो अशुद्ध हो जाता है। और उसमें आप यहाँ देखेंगे कि अतिथि अतिथि, फिर उपेक्षित यानी उपेक्षित, इसके बाद उज्जवल उज्जवल, भगिनी भगिनी, भागीरथी भागीरथी, जैसे गंगा नदी का को हम कहते हैं वैद्य, जो हमारा इलाज करता है वैद्य है, वृतांत वृतांत। प्यारे विद्यार्थियों, ये हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द युग्म का अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। और मेरा आपसे आह्वान है कि आप 2021 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी तनाव मुक्त होकर के करें। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही कोरोना संक्रमण का समय चल रहा है, अपने परिवार और अपने प्रति जागरूक रहिए, सरकार द्वारा दिशा निर्देशों का पालन करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।